हम आपके थाने की बात कर रहे हैं, आपके थाने का बिल 6 करोड़ है, ये देखिए। चार ट्यूबलाइट, 2 पंखा और 2 कंप्यूटर का बिल 6 करोड़ रुपया। चचा एक बार ठीक से चेक कीजिए ना, आपको पता चलेगा। देखिए सिर्फ बिल जमा करने का विभाग है, अगर आपको बिल को लेकर के कोई शिकायत है, कोई तकलीफ है, तो आप जाकर के बिजली विभाग में जाकर के कार्यालय में शिकायत कीजिए ना। यहाँ क्या फैल रहा है भाई साहब? अरे भाई भरना है कि नहीं भरना है यार, हमको सिनेमा घर जाना है गर्लफ्रेंड के साथ। इधर मार, मार, भार, भार, बिजली बिल भर। पुष्पा जी के पास तो पहले से बिल था, वो काहे नहीं बताई, दिखी भी नहीं, पहले जाकर ठीक करा लेते। 6 करोड़। अरे भाई साहब मोबाइल आपका? हाँ भाई, हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, बहुत लंबी लाइन है, आ जाओ। ओह माय गॉड, ऊपर वाले ने क्या जोड़ी बनाई है, लेकिन दोनों में टच में एकदम डिफरेंस, डिफरेंस बहुत टच। क्या बोलता तुम? बा, 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, आप ये काजू खाओ। हाँ ठीक है जाओ। इतना हीट पे मैं काजू नहीं खाता। फिर जूस, जूस 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 है, जूस है, देख लो जरा ये लो। हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, जाओ अभी तुम ड्यूटी करो, जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो हमारी ड्यूटी, हम पी लेंगे, जाओ। एक्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कौन है? यू मैडम, मैं भी चलू क्या डबल सीट आपके साथ? हेलो हेलो, अरे हुक्का भूज के जमाना हो गया, फिर भी गुड़गुड़ाना छोड़ा नहीं है, चल निकल यहाँ से। ए तुझे क्या पता रे उजड़े चमन, कड़ी जितनी पुरानी हो ना उबाल उतना ही बवाल होता है, और दिल लगाने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ मगर दिल बैठ जाने की तो होती है ना, आशिकी का बोझ उतना ही उठाना चाहिए जितना उम्र का तकाजा हो, समझ रहे हो ना? आशिकी का दौर कब दिल का दौरा पड़ जाए कोई नहीं कह सकता, इसीलिए चेता रहे तुमको, एक छींक भी मारेंगे ना तो भी यहाँ पे ढेर हो जाओगे, निकल जाओ। माँ ज्यादा हो रहे, ज्यादा हो रहे। अरे छोड़ो ये बेकार की बातें, चलो डार्लिंग चलते डबल सीट, और जहाँ सुस्ता नहीं रुकेंगे वही पे शादी कर लेते, क्या कहती हो? चलो हाथ पकड़ी, छोड़ छोड़, पुलिस वाले का हाथ पकड़ता है, वो भी हमारी आधी बहू का हाथ पकड़ता है। मारम, मारम। शर्म नहीं आई तुमको? हाँ देखो चले जाओ वरना नींबू की तरह निचोड़ के रख देंगे तुमको, चेता रहे। अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी होने नहीं दूंगा। पुलिस को, पुलिस को पत्थर मारोगे, पुलिस को मारोगे, चलो थाने चलो। अरे अरे मैडम करू, हम भी पुलिस स्टेशन चलते डबल सीट। आओ ये हेलमेट, हेलमेट। देखिए देखिए कैसे दरिंदे की तरह घूर रहा है मैडम सर, ये साइकिक किलर वाली फीलिंग आ रही है इसमें से। और नहीं तो क्या, अरे लड़की को छेड़ता है वो भी पुलिस वाली। नहीं नहीं पुष्पा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लड़की को छेड़ने का अंजाम क्या होता है इसे पता चलना ही चाहिए। आने दीजिए इसके हिमायतियों को, देखते कौन आता है इसकी बेल कराने। भाई बहुत गरम। ऐसा नहीं कहते, कितनी बार कहा है कि मई बहुत गर्म नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा कहते हैं। आइयो अम्मा, इंग्लिश में बोलो आई एम वेरी हॉट तो चलता, हिंदी में बोलो मई बहुत गर्म तो नहीं चलता। एनीवेज यहाँ बहुत हीट होता, मैं बॉयल होता, इनफैक्ट मेरा ऑमलेट बनता। आई लव ऑमलेट। मैडम सर प्लीज कुछ कीजिए ना, अभी तो फिर भी थोड़ी हवा आ रही है तो ठीक है, अगर वो भी बंद हो जाएगी तो जान निकल जाएगी।
अब हम क्या करें इसमें? जब चीता चतुर्वेदी बिल भर के आएंगे तब बिजली आ जाएगी, आता ही होगा। सॉरी मैडम सर, बिल जमा नहीं कर पाए। क्या पैसे कम पड़ गए मैडम सर? शॉपिंग के लिए गए? सॉरी, शॉपिंग के लिए गए थे जो पैसे कम पड़ गए? हम बात कर लें। क्या हुआ चीता, अपनी तरफ से पैसे जोड़ के बिल तो भर देते कम से कम। मैडम सर, अपनी तरफ से क्या, हमारा पूरा खानदान मिलकर भी जोड़ता है ना, तो भी इतना बिल नहीं भर पाते हम। चीते, जब देखो तब रोता रहता है, मुझे फोन कर देता, 2-4 हजार मैं तुझे ट्रांसफर कर देती। संतु जी, बात 2-4 हजार का नहीं था, बिजली बिल बहुत ज्यादा आया हुआ है संतु जी। अरे और कितना ज्यादा हो सकता है, 50 हजार तो नहीं हो सकता था ना? 5-6 हजार होते मुझे बोलता, मैं दे देता। अपने करो के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ए ना कह रही। बताए कितना बिल हुआ है पूरा? कितना है? 6 करोड़। चीते, आप लोग हंस रहे हैं? अरे हम कोई कॉमेडी वॉमेडी कर रहे हैं क्या? मैडम सर सच बोल रही, देखिए ये देखिए मैडम, ये रहा बिल, 6 करोड़ बिल आया है। देखिए मैडम सर। नहीं 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 नहीं, ये कोई गलती हुई है, 2 महीने का बिल 6 करोड़, ये देखिए। हाँ, किसका इतना बिल आता है 6 करोड़? नहीं नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग प्रिंट हुआ है। 6 करोड़? अरे हाँ अरे हाँ, दैत्य राजा, हाँ, 6 करोड़ भर दे। चीता, हाँ? चीता सुनो, एक बात बताओ, तुमने वहाँ किसी को बताया कि ये गड़बड़ है, मिस्टेक हुई है? बोले कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, चेक कर लीजिए। तो फिर? कहते हैं कि बिजली शिकायत विभाग में जाकर कंप्लेन कीजिए। हम वहाँ पर भी गए तो बोलते हैं कि पहले पूरा मामला का जांच पड़ताल होगा, उसके बाद से भी कोई निर्णय लिया जाएगा। और तब तक थाने की बिजली का क्या? ऐसे ही गुल रहेगी। हाँ, बोले हमको कि जब तक बकाया एक एक पाई पाई हम लोग ऐसा जमा ना कर दे तब तक बिजली नहीं आएगी इधर। क्या करें मैडम सर, हम खुद परेशान घूम रहे हैं हम तो। ये क्या चीज है, मतलब वो गलत बिल छापे और उसका भुगतान हम करें, हम यहाँ तंदूर बने। हेलो हेलो डीएसपी सर, जय हिंद सर। जी सर, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। हाँ सर, दरअसल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप हमारी मदद कर सकते हैं। जी सर, हुआ ऐसा है कि ठीक है सर, जी सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिंद। हम बता रहे हैं, हमारी डीएसपी सर से बात हुई है, उन्होंने एक नंबर फॉरवर्ड किया हमें। पुष्पा जी, वो नंबर हम आपको दे रहे हैं, ये बिजली विभाग के एक सीनियर अफसर का नंबर है, उन्हें फोन कीजिए, उन्हें पूरा केस समझाइए, वही हमारी मदद कर सकते। जी मैडम, मैं भी आता। नहीं नहीं, एक मिनट, तुम जाओ, लेकिन हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी मत करना, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करोगी, कुछ कहोगी नहीं, क्लियर? हम है ना, हम संभालेंगे संभालेंगे संभालेंगे। ओके ठीक है, जाइए। यहाँ पे गर्मी में हमारी जान निकले जा रही है, और वहाँ पे करिश्मा मैडम शूटिंग में एसी में कितना एंजॉय कर रही होगी। कुछ मजा वजा नहीं चल रहा है वहाँ पे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। इतने सारे टोपा लोग मिलके ना एक टोपागिरी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी हम भागती हुई बुलेट ट्रेन में से 2 इंजन को अलग कर कर आ रहे हैं, ये शूटिंग पे गए थे हम आज। देखो करी अम्मा, तुमको मुझको जो बोलना बोलो, ठीक है, लेकिन मेरा शूटिंग को कुछ मत बोलो, मेरा इंडस्ट्री को कुछ मत बोलो। हाँ, मैं नहीं सुन सकता। और तुमको अगर मेरा इंडस्ट्री से इतना प्रॉब्लम होता तो मैं वापस वहीं जाता, क्योंकि मैं बहुत मिस करता। और जब तक यहाँ पे लाइट नहीं आता तब तक मैं अपना शूटिंग पे वापस जाता, क्या मैं बहुत मिस भी करता। ओके एक मिनट, यहाँ लाइट नहीं है। नहीं, और अब आएगा भी कब पता नहीं, नहीं मालूम। हाँ तो ठीक है, तुम यहीं बैठो और सड़ो इतनी गर्मी में, और देखो कि हम पुलिस वाले गर्मी में कैसे काम करते हैं। जियो अब हमारा जिंदगी तुम, हम जा रहे हैं वापस शूटिंग पे। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, हम भी निकलते हैं। हाँ चलो चलो। कहाँ चलो, तुमको बोला जाने के लिए, तुमको बोला है, चलो। हो गया। कब तक वाइब्रेट करेगा? मोमबत्ती लेकर आओ। याद है ना तुमको मैडम सर ने क्या कहा है, जो कुछ भी बात करनी है वो हम करेंगे, तुम अपना मुंह भी नहीं खोलोगी अंदर, समझ गई ना? लेकिन एक शब्द नहीं। गुरुजी, अगर तुम मुझको मेरा ट्रेनिंग कंटिन्यू करने देता तो मैं तुम्हारा ड्रीम फुलफिल करता। क्या? मैं तुमको पिक्चर का हीरोइन बनाता। क्या क्या तुम हमको रिश्वत देता? नहीं नहीं, तुम उल्लू थोड़ी होता जो मैं तुमको रिश्वत देता। निजम मत लाडू। सच में मेरे को मालूम तुमको हीरोइन बनना होता। सुनो मेरा बात, मेरी बेस्ट फ्रेंड वो साउथ में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर होता, वो हीरोइन ढूंढता अपना मूवी के लिए। उसको हीरोइन बिल्कुल अट्रैक्टिव चाहिए, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, जिसमें कुछ बात होता, जिसका स्क्रीन प्रेजेंस होता।
और वो सब ना मेरे को तेरे में दिखता गुरुजी। पिक्चर का नाम क्या कहा? जुर्म की माँ की बेटी का बदला। जुर्म की माँ की? हाँ, बेटी का बदला। बेटी मतलब तुम और कौन? आप नहीं नहीं, मगर एक बात हम समझे नहीं, बेटी 24-25 साल की, 17-18 साल का बेटी, मतलब हम 17-18 साल के। हाँ। देखो तुम मेरे को परमिशन देता ट्रेनिंग के लिए? देखो ये गिव एंड टेक होता, बोलो देता तो फिर मैं तुमको पिक्चर में रोल दिलाता। सोचो ऐसा किस्मत बार बार नॉक नहीं करता। देखो हमने अपनी पूरी जिंदगी में ना ही कभी रिश्वत ली है और ना ही कभी किसी को रिश्वत दी है। अपने ईमान और स्वाभिमान से कभी हमने कोई समझौता नहीं किया। तो तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि तुम ये पिक्चर में काम देने का हमें लालच दोगी और हम मान जाएंगे तो तुम ठीक है, as you wish, मैं पिक्चर के लिए मना करता। तो तुम सही समझ रही हो? हाँ, अरे हमारी पूरी बात तो सुनो ना। हम कह रहे हैं तुम जो ये सोच रही हो ना, ये बिल्कुल सही सोच रही हो, हम ऐसे आ रहे थे। हाँ। चलता है चलता है, इतना सौदा सौदा मंजूर है हमें। हाँ। अब बताइए। हम सब क्या बताएं आपको, बहुत अजीब सी घटना घट गई है हमारे थाने के साथ। क्या हुआ ना, 2 महीने से थाने का फंड नहीं आया था तो इसलिए हम बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाए, तो आपके विभाग से कुछ लोग आए और बिजली काट के चले गए। ओहो, अब क्या कर सकते हैं मैडम जी, सबके लिए नियम तो बराबर ही है ना। ऐसा कीजिए आप लोग 1 महीने का बिल भर दीजिए, मैं आपका बिजली तुरंत शुरू करवा देता हूँ। बाकी का जो है अगले महीने बकाया आप भर दीजिएगा। देखिए हो गया ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व। डीएसपी साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं उसका अमाउंट होता। तुमको पता 2 मंथ्स का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होता? 6 करोड़। 6 करोड़, सोचो सोचो कितना। 3 सीलिंग फैन है, 2 टेबल फैन है और 3 ट्यूबलाइट है ना, 3, इसका बिल 6 करोड़ होता। अब इतना पैसा कहां से देगा? अब पुलिस खुद बैंक जाके बैंक लूटता अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ी ना बैंक जाएगा। इतना तो बिल ना यूएस में भी नहीं आता। तो आप लोग शिकायत विभाग जाइए ना, वहां जाकर दर्ज करवाइए अपनी शिकायत। अरे सर गए थे हम, गलत बिल विभाग में हमने शिकायत दर्ज की है, मगर उन लोगों का कहना है कि जांच चल रही है, हमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम आपके पास आए कि अभी आप ही कुछ कीजिए। हंसना बंद करती। तो मैडम आप हमसे क्या चाहती हैं? सर चाहते तो बस यही है ना कि आप इस पे कुछ कीजिए। क्या हुआ है ना, बिजली काट दी गई है थाने की, तो थाने के जो हमारे सहयोगी है ना वो बहुत परेशान हो गए हैं गर्मी की वजह से, लैपटॉप मोबाइल कुछ चार्ज नहीं कर पा रहे, थाने का काम ठप हो गया है, तो बिना बिजली के थाने कैसे चलेगा, आप समझ रहे ना इस बात को। अंधेरे में मैं टचअप भी नहीं कर पाता। टचअप? ताना नहीं चलेगा तो फिर कंप्लेन कैसे आएगा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, पूरा लखनऊ में गुंडा राज होता, फिर फाइनली जुर्म का जस्टिस करने बिजली रानी बिगिंस को आना पड़ता। बिजली रानी? वो कौन है और उस सब देखकर क्यों बोल रही है? वो हम इनको देखता तो हमको हंसी आता। अच्छा हंसी क्यों आता? तुम मुझको किसी का याद दिलाता। अच्छा किसकी याद आता? डड्डू। डड्डू? कौन डड्डू? वो मेरे अप्पा मेरे 5th birthday पे टेडी बेयर लेकर आए थे, उसका नाम मैंने डड्डू रखा था, वो पड़े पड़े ना सड़ गया था, उसका ऊपर का पार निकल गया था, तुम्हारी तरह एकदम टकली हो गया था, तुम्हारी तरह इतना मोटा सा इतना क्यूट मैं कौन से मजाक करने की आदत है, चुप करो ना। ऐसा है कि अब जो होगा कायदे कानून से ही होगा, बिल चाहे 6,000 का हो चाहे 6 करोड़ का हो, भरना तो आपको पड़ेगा, उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तब तक मुझे तो आप माफ कर दीजिए मैडम जी, हैं? अभी आप लोग जा सकते हैं। सर 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 आप ऐसा मत कीजिए, आप तो समझ सकते हैं ना किसी भी थाने का बिल इतना आ सकता है क्या, आप कुछ कीजिए ना, आप ही कुछ कर सकते हैं।
बिल की सत्यता तो बिल भरने के बाद जब जांच होगी तभी तो पता चलेगा ना मैडम जी। और बिल में अगर कोई गड़बड़ी है तो एक सही अमाउंट काट कर बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो ससम्मान आपके थाने के खाते में जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। चलो। ये इतना एंग्री क्यों होता? मैं तो उसको डैडी बोला, टकली भी तो बोला ना। अयो अरे भाई कुछ करो इस लाइट का यार, ये गर्मी में और अंधेरे में मुझे नींद नहीं आ रही। तुमको संभाल के चुप रहो, नहीं तो अंदर ही आके लपड़ जा देंगे। तुमको कैसा प्राणी है, किसको अंधेरा में नींद नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना बस ना, समझ गए समझ गए। अरे आपको भी तो नींद नहीं आती होगी ना गर्मी में। चुप रहो तुम। पुष्पा जी। जी मैडम। आइए आइए। हमने क्या कहा था आपसे? हमने आपसे ये कहा था कि जब आप वहां जाएंगी तो करीना कुछ नहीं कहेगी, वो चुपचाप खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगी, जो बातें करेंगी आप करेंगे, तो फिर आपने इसे इतनी बकबक करने ही क्यों दी? लगता है माँ ने करू से रिश्वत ली है। भाग। भाग क्या, कसम खाइए आपने रिश्वत नहीं ली। बिल्ले चुप करो, वरना ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि पांच उंगलियां छाप देंगे तुम्हारे गाल पे। हाँ देखो देखो, चोर के दाढ़ी में तिनका, माँ कैसे तिलमिला रही है। एक मिनट, कोई हमें बताएगा कि त्रिपाठी जी से बात क्या हुई? अरे मैडम त्रिपाठी को छोड़ो, कम से कम फाइल तो दे दो हवा खाने के लिए। मार खाओगे तो खाओ क्या, मैं तुमको ऐसा मार मारता कि तुम्हारे मुंह से एक कोई बात निकलता। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर इतना ब्यूटीफुल नहीं। हाउ क्यूट। हो गया अब सबका, बताइए क्या कहा उन्होंने? ओ त्रिपाठी जी ने, त्रिपाठी जी ने, हाँ वही वही वही, त्रिपाठी जी ने कहा कि अब कोई भी सिफारिश या गुजारिश नहीं चलेगी, जो कुछ भी होगा कायदे से होगा, बिल का पूरा भुगतान करना पड़ेगा है? उसके बाद ही पता चलेगा कि ये बिल सही था या गलत। क्या, तब तक बिजली का क्या? तब तक लाइट ऐसी ही क्या कटी रहेगी। का हुआ का हुआ? ठीक है प्रोटोकॉल ना, तो अब हम प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, खुद जाएंगे वहाँ बिल लेकर, बिल को पहले ठीक कराएंगे और फिर भरेंगे और फिर इंतजार करेंगे बिजली के आने का। गर्मी में माथा गर्म हो गया है। मैडम मैडम। हाँ जी कहिए। इनके खुद के थाने में बिजली कटी हुई है, ये हमारे बिजली चोरी की रिपोर्ट क्या लिखेंगे? चलो यहाँ से। अरे जय हिंद पुष्पा जी। पुष्पा जी, अरे संतोष शर्मा, देखिए संतोष शर्मा, चीता चतुर्वेदी, अरे क्या है, जवाब क्यों नहीं दे रहे कोई? पुष्पा जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मैडम सर, जय हिंद जय। जय हिंद जय हिंद। क्या हो रहा है ये, हम कब से आ गए हैं, आप सबको आवाज लगा रहे हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया, सुनाई नहीं दे रहा है? बुनाई नहीं नहीं, हम घर का काम थाने में थोड़ी ना करते, बुनाई नहीं करते हम थाने में। बुनाई? पुष्पा जी हम कह रहे सुनाई नहीं दे रहा है किसी को, क्या हो रहा है इस थाने में, ये क्या है, आप सब कान में रुई डाल के क्यों बैठे हैं? मैडम सर ड्रिल मशीन की वजह से रुई डालना पड़ गया कान में। मैडम सर कौन सी ड्रिल मशीन, कहाँ चल रही है? ओ मेरे बिल्लू निवास में पसरा है ना चंदू छेड़ा, उसकी खर्राटे की आवाज ड्रिल की तरह हमारे खोपड़ी में छेद कर रहे हैं। अगर ये कॉटन नहीं डाला होता ना तो हमारा सर तरबूजे की तरह फट जाता मैडम सर। हाँ। कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रुक जाइए आएगी, सफर का फल खर्राटे होता है, ये खर्राटे लेते हैं स्पीड ब्रेकर की तरह, रुक रुक कर लेते हैं, ब्रेक ले दे कर लेते हैं। ठीक हाँ, लेकिन ये इतनी नाकाबिले बर्दाश्त तो है नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल से खर्राटे हैं, हर कोई लेता है। रुक जाइए अब देखिए, या,
लीजिए लीजिए कॉन्फ्रेंस। अरे बाबा देखा मैडम सर, ये सदर बाजार वाला सदर बाजार वाली फाइल जो आपने मंगाई थी। पुष्पा जी देखिए, हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं। एक तो थाने में बिजली नहीं है, दूसरा उस आदमी के खर्राटे अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जो ऑप्शन है यही है, हमें यहीं बैठकर अपना सारा काम खत्म करना होगा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, आई अंडरस्टैंड। ड्यूटी के लिए तो कुछ भी मैडम सर। कहाँ कहाँ कहाँ? अरे यहाँ हवा अच्छी है, यहाँ हम बैठेंगे, तुम वहाँ बैठ जाओ उधर। बस मैडम सर, उसके खर्राटों का कुछ कीजिए, हम पगला जाएंगे। नहीं पुष्पा जी, हमको नहीं लगता कि इतना जल्दी सीएम दूध से पीछा छूटेगा हम लोग का। मतलब? नहीं मैडम सर, आपने धाराएं इतनी सख्त लगा दी हैं उस पर। नहीं लगनी भी तो चाहिए, मतलब एक महिला को छेड़ा है। सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा समस्या हुई है कि इसका कोई जमानत देने नहीं आएगा। संतु जी क्यों नहीं आएगा कोई बेल देने? अरे हमसे खुद बताया संतु जी कल रात में। वो क्या है साहब की हमारे इन्हीं खराटों की आदत की वजह से हमारे वाइफ ने हमको घर से निकाल दिया। कोई रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं। फिर इस महिला पुलिस को देखा, सीधा जाके छेड़ दिया, तो जाके इस थाने में रात गुजारने को मिली। संतोष शर्मा एक काम कीजिए, इनके घर वालों से बात कीजिए, इनकी बीवी को समझाइए कि इनके पति के साथ जो हो रहा है ना, वो बस एक बीमारी है जिसका बहुत आसानी से इलाज अवेलेबल है। ठीक है, जाइए बात कीजिए। जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, क्या हुआ, बिजली विभाग में बात हुई? जी मैडम सर, बोल रहे थे कि वो अपना इंजीनियर भेजेंगे, वो यहाँ पर आएगा, हम लोग का मीटर चेक करेगा, उसके बाद से अपना रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद कानूनन कार्रवाई होगा मैडम सर। हेलो मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं, जब तक लाइट नहीं है आप डिपार्टमेंट में बात करके जनरेटर की व्यवस्था कीजिए ना। हाँ एक हेलो, क्या हुआ? जो इंजीनियर आने वाला था ना, वो किसी काम से अपने घर पर निकल गया छुट्टी लेकर 8 दिन का। हाँ? और ये जो एरिया है उसी इंजीनियर के अंडर में आता है, इसलिए वो दूसरा इंजीनियर भी नहीं भेज सकते हैं।